इस्तरार न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार, मैं हूं पायल गुड़ियाल। स्वागत है आपका तेज तर्रार न्यूज़ में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें दिल्ली की। इस वक्त हम मौजूद हैं द्वारका इलाके के मोहन गार्डन थाना पर, जहां पर इन दिनों एक वाकया सामने आया। दरअसल हुआ ये था कि कुछ अफ्रीकी मूल के लोग थे जिन्होंने पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। हमले के साथ साथ उन्होंने यहां पर आके तोड़फोड़ की। लेकिन इससे पहले आपको हम पूरा वाक्य बता देते हैं। दरअसल मामला जो था पूरा यहाँ से शुरू हुआ था कि 26 सितंबर की रात को एक अफ्रीकी मूल का जो व्यक्ति था उसकी मौत हो जाती है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। उसके परिवार वालों का गुस्सा इतना बढ़ जाता है वहाँ पर कि वो हॉस्पिटल में बवाल काटते हैं। बवाल काटने के साथ ही वहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी आते हैं, उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ मौजूद लोग शांत नहीं होते। ऐसे में वो लोग क्या करते हैं कि सारे इकट्ठे होते हैं और कम से कम 50 से 60 लोग इकट्ठा होकर जो मोहन गार्डन थाना है वहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं और जमकर बवाल काटते हैं। आपको बता दें कि बवाल काटने के साथ साथ वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पर गाड़ियों के साथ तोड़फोड़ करते हैं। यहाँ पर जितने भी बोर्ड था उसको तोड़ दिया गया और कुछ पुलिसकर्मी थे उनको भी यहाँ पर चोटें आई हैं। कई पुलिसकर्मियों को यहाँ घायल भी किया है। आपको ये भी बता दें कि जिन पुलिसकर्मियों के साथ उन्होंने मारपीट की उनको अस्पताल ले जाया गया, अभी उनकी हालत ठीक है, उनको थोड़ी बहुत चोटें आई हैं। जब इनका गुस्सा यहाँ भी शांत नहीं हुआ तो इन्होंने क्या करा कि यहाँ मौजूद पुलिस कर्मियों को पीटना शुरू कर दिया। जी हाँ, पुलिस कर्मियों को पीटना शुरू करा। ऐसे में पुलिस को पीटता हुआ देख उनके जो साथी थे वो बाहर आए, फिर उन्होंने बीच बचाव किया और वो जो अफ्रीकी मूल के लोग थे वो 50 से 60 की तादाद में थे। ऐसे में यहाँ भारी पल तैनात नहीं था तो पुलिसकर्मियों ने क्या करा, उनके जो कुछ साथी थे वो बाहर आए और उनमें से एक पुलिसकर्मी ने जो है फायरिंग की, हवा फायरिंग की, जिस वजह से जो अफ्रीकी जो मूल के लोग थे उनको यहाँ से भगाने की कोशिश की। लेकिन फिर भी क्या हुआ, कुछ लोग भाग जाते हैं और कुछ वहाँ टिके रहते हैं और पुलिसकर्मियों को पीटते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसका वीडियो भी इन दोनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहाँ पर देखा जा सकता है साफ तौर पर कि वो अफ्रीकी मूल के जो लोग हैं 50 से 60 की तादाद पर यहाँ इस थाने पर पहुँचते हैं और यहाँ पर जमकर बवाल मचाते हैं और पुलिसकर्मियों से मारपीट करते हैं। ऐसे में क्या होता है, पुलिस कर्मियों के बचाव के लिए कुछ उनके साथी यहाँ पर आते हैं और वो हवाई फायरिंग करते हैं ताकि यहाँ जो अफ्रीकी लोग इकट्ठा हुए थे उन्हें भगाया जा सके। लेकिन क्या होता है कि कुछ लोग तो भाग जाते हैं लेकिन कुछ को जो है पुलिसकर्मी दबोच लेते हैं। आपको बता दें कि 8 से 10 बंदों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जो अफ्रीकी मूल के नागरिक हैं। इसी के साथ पुलिस ने गश्त शुरू कर दी है। अब वो पुलिस जो है इस पूरे एरिए में उन लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रही है जो यहाँ पर उस दिन थाने पर बवाल काट के गए थे, यहाँ पर कोहराम मचा के गए थे, यहां तोड़फोड़ करके गए थे। पुलिस अब उनसे उन लोगों की तलाश में जुटी है। अब ऐसे में जो स्थानीय की पुलिस है वो इलाके में गश्त कर रही है और उन अफ्रीकी लोगों को ढूंढ रही है जिन्होंने उस दिन यहाँ आके बवाल काटा था। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें, जो पुलिसकर्मी हैं वो मकान मालिक को, जो यहाँ के मकान मालिक हैं उन पर भी कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ जो मकान मालिक हैं वो अफ्रीकी मूल के जो लोग हैं उनको किराए पर अपना मकान दे देते हैं और जिस वजह से वो लालच में आकर जो है इनको किराए पर रखते हैं, क्योंकि अफ्रीकी जो मूल के लोग हैं वो उनको ज़्यादा किराया देते हैं और ऐसे में आइडेंटिफाई नहीं हो पाते, ये लोग अपना कोई आईडी प्रूफ नहीं देते और ऐसे में वो लोग इनको अपने मकान पर रहने के लिए छोड़ देते हैं, जिसके बाद फिर ये आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिनको लेकर अब पुलिस जो है सतर्क हो गई है और अफ्रीकी लोगों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल अब जो पुलिस प्रशासन है इस पूरे मामले पर सतर्क हो गया है और गश्त में जुट गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। अब देखना ये होगा कि अब इस पे क्या नया मोड़ आता है, क्या वो अफ्रीकी मूल के जो लोग हैं उन पर कोई सख्त कार्रवाई होती है या नहीं। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं पायल गुड़ियाल। पागल ये।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।